तो यहाँ पर हीमोफीलिया में फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम है, दोनों म्यूटेटेड होंगे तभी जो है फीमेल अफेक्टेड। बट मेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, दूसरा तो है ही नहीं, ठीक है, एंड will suffer from hemophilia even if has single mutated allele. उसके पास तो है ही एक है, अगर वो म्यूटेट होगी तो उसे डिजीज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये क्या है नॉर्मल सीमो, दिस इज अनअफेक्टेड बट कैरियर फीमेल, अफेक्टेड या बट अगर ये है नॉर्मल मेल वाई, इसका होमोलोगस नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्स पे जीन्स है, वाई पे तो सिर्फ मेलनेस की जीन्स है, देयरफॉर इट इज हीमोफिलिक। इज इट ओके? अगर फीमेल नॉर्मल है और मेल हीमोफिलिक है तो किसके पास ये हीमोफीलिया की जीन गई, फीमेल के पास, तो मेल ने अपनी डॉटर को दिया, सन को नहीं दिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉसिंग है। मेल अगले कौन से मेल को देगा, ग्रैंडसन को, थ्रू हिज डॉटर, इज इट राइट? सो हम क्या कहते हैं, मेल दैट इज सेक्स लिंक्ड जीन्स शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस in which male passes his X chromosome linked gene to his grandson through daughter. Whereas female जो है passes her genes to both, अगर हम कहें both daughter and son, ठीक है, but हम generally कह देते हैं टू ग्रैंड डॉटर थ्रू सन, ठीक है, बट मेल जो है अपना एक्स क्रोमोसोम
ग्रैंडसन को देखता है किसके थ्रू, अपनी डॉटर. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. इज इट ओके? ठीक है, लिखो पहले. राइट डाउन. सो यहां पे लिखो द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज रेयर. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. इट इज ऑल्सो, हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज. हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज. बिकॉज द फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया shows a number of hemophilic descendants. मतलब क्वीन विक्टोरिया के आगे जितने बच्चे हैं, hemophilic descendants, BESCENBENTS, as Queen Victoria herself was the carrier of the disease. ठीक है, तो आगे जितने लड़के हुए होंगे उनमें से 50% लड़कों को तो पास किया उसने, खुद वो एक एक्स उसका कैरियर थी, मतलब एक्स एच एक्स था, तो उसने 50% लड़कों को तो आगे दिया. ठीक है, और डॉटर्स भी कुछ कैरियर्स थे. इज इट ओके? ठीक है, जरा लिखो, क्वेश्चन लिखो. A carrier female for hemophilia is married to a hemophilic male. How many sons and daughters will suffer from hemophilia? Carriers में इसमें गिनेंगे, homozygous daughters and sons तो है, suffer from hemophilia. जल्दी से क्रॉस करना पड़ेगा. हाँ जी बेटा, तो ये देखो, ये क्रॉस बन गया. कैरियर female, hemophilic male. So this is carrier. Carrier को नहीं हम गिनते, affected को क्या कहेंगे? This is carrier female, normal male. This is hemophilic female, hemophilic male. तो अगर total में से पूछा जाए तो हम कहेंगे 50% offsprings will be hemophilic. और अगर sons and daughters में भी पूछा जाए तो 50% daughters will be hemophilic, 50% sons will be. Is it okay? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो जरा जल्दी से. A female whose father was hemophilic is married to a normal male. What percentage of their sons will be hemophilic? What percentage of their sons will be hemophilic? करो सर जल्दी. So again, if the female's father is hemophilic, then female will be carrier. Male
is normal. Two type of gametes. So 50% boys will be affected. और अगर hemophilic और अगर चारों की बात किया जाए तो 25% of offspring. चार में से will be hemophilic. What are the chances आप कह सकते हो? What are the chances of their offspring to be become hemophilic? 25%. What are the chances of their sons to be hemophilic? 50%. Is it okay? देखना है question क्या पूछा है, right? So this is about hemophilia. Next आ जाइए color blind. Same है sex linked recessive disorder. Next is color blindness. Sex linked recessive disorder. Second आ जाइए caused due to mutation of the genes present on X chromosome. Next point है, it occurs in about 8% of males. Population में अगर हम देखें तो males में probability है 8% and only about 0.4% in females. Only about 0.4% in females. Reason आपको पता है कि अगर फीमेल्स में तभी कलर ब्लाइंडनेस होगी अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड है ना. नेक्स्ट पॉइंट है द अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट या कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. Due to defect in red or green cones of the eye. ठीक है जी. तो क्रॉसेस कैसे बनेंगे जैसे हीमोफीलिया के बने. नेक्स्ट पॉइंट आ रही है एज इट इज सेक्स लिंक्ड देयरफॉर it also shows crisscross inheritance. ठीक है जी. सो दिस इज अबाउट कलर ब्लाइंड. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हमारा थैलेसीमिया भी हो गया और ये भी एक आ जाते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. हमने किया था देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किया था नहीं मायोटोनिक तो मैंने बता दिया. ड्यूसचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DUCHENNE apostrophe S. इसमें लिख लो नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन डिस्ट्रोफिन इन द स्केलेटल मसल्स. ड्यू टू विच
ड्यू टू विच कैल्शियम इज नॉट रिलीज्ड, कैल्शियम इज नॉट रिलीज्ड फ्रॉम द मसल सेल and no muscular contraction and no muscular contraction the death next point here the death may occur up to the death generally occurs up to the age of 20 due to cardiac or respiratory problems. Respiratory problems. ठीक है जी, so this is about Mendelian disorders. ठीक है, next हम आ जाते हैं बेटा chromosomal disorders. Chromosomal aberrations या chromosomal disorders. ये सब तो जीन म्यूटेशन थी. दो टाइप के हैं, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम और हम कह सकते हैं क्या मतलब है चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंजेस. न्यूमेरिकल चेंजेस चेंज इन नंबर ऑफ ऑटोसोम्स चेंज इन नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. इसमें एग्जाम्पल आ जाती है बेटा डाउन सिंड्रोम. हाँ जो मैंने आपको दिखाया छोटी छोटी 2n+1=47 ट्राइसोमी और 21st क्रोमोसोम. एक आ जाता है एडवर्ड सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम के बारे में मैं बताऊंगी, इसका सिर्फ ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम. ट्राइड्यूचेट सिंड्रोम, बच्चा बिल्ली की तरह रोता है. ट्राइसोमी और 13 क्रोमोसोम. ठीक है जी, चेंज इन नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. टर्नर्स सिंड्रोम, मोनोसोमी और सेक्स क्रोम. मोनोसोमी मीन्स एक ही कॉपी है, ए ए तो है बट यहाँ पे क्या है एक्स ओ, एक ही सेक्स क्रोम.
सेकंड है लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स AAXXY। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें मेनली हमने क्या बताया था, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है, ड्यू टू ट्रांसलोकेशन इफ यू बिलोंग। देखो वहां पर ट्रांसलोकेशन में हमने एक डिजीज भी बताया होगा, ठीक है, सीधा देखो जरा और लिखो इसे। ठीक है जी बेटा, तो ये एक माइलोजिनस फाइलेडेल्फिया क्रोमोसोम को माइलोजिनस ल्यूकेमिया कहते हैं, वी हैव डन दिस। और यहाँ पे एक चेंजेस इन सेक्स क्रोमोसोम में सुपर मेल्स एंड सुपर फीमेल, ये भी लिख लो, ठीक है जी। तो इनके बारे में हम कल करेंगे और कल हम एक पेडिग्री भी करेंगे। ओके बेटा।